नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो वर्सेस टेक्नो स्पार्क 9 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Turbo में 3.02 इंच जबकि Spark 9 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Turbo से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 Turbo में 0.31 इंच जबकि Spark 9 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 Turbo से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Turbo में 184.5 ग्राम्स जबकि Spark 9 में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 12 Turbo से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Turbo में AMOLED जबकि Spark 9 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 Turbo में 6.7 इंचेस जबकि Spark 9 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 Turbo में 1080x2400 और Spark 9 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Turbo में 85.79% जबकि Spark 9 में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Turbo में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Spark 9 में 266 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Turbo में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Spark 9 की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 12 Turbo में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Spark 9 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Turbo में माली G57MC2 जबकि Spark 9 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Turbo में MediaTek Helio G96 और Spark 9 में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 Turbo में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Spark 9 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 Turbo में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Spark 9 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 12 Turbo में 3 कलर्स जबकि Spark 9 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Turbo में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Spark 9 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 9 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 टर्बो आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 टर्बो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 टर्बो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M32 है, तीसरा Xiaomi Redmi 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।